इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा श्री प्रकाश जी सतपाल साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, जो हमारे संरक्षक जोधपुर संभाग के हैं श्री नरपत सिंह जी और अरुण जी भाटी से, कि आप मंच पे बुला रहे हैं और श्री प्रकाश जी सतपाल साहब का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करावें। श्री रूप नारायण जी और गोविंद जी आप तैयार रहे। आपका स्वागत और अभिनंदन करवाने के लिए श्री रूप नारायण जी और गोविंद जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सर का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करावें। स्वागत की एक लंबी श्रृंखला है। आज जो ये सम्मेलन होने जा रहा है इसमें कौन कौन आए हैं, उसमें क्या क्या मांगे हैं? उसमें बद्रीराम जी जाकड़, पूर्व सांसद श्री बाबू सिंह जी सुखुल्लाई साहब और अजीत भाई दर्द साहब और हमारे प्रदेश और प्रदेश के संरक्षक और मजदूरों के मसीहा मोहन सिंह जी पाटी साहब, प्रदेश अध्यक्ष बजरंगलाल जी मीणा साहब और प्रदेश महामंत्री विद्यासागर जी ये पधार चुके हैं और शीघ्र ही अभी खुशवीर सिंह जी जोजावर जो पधार रहे हैं। और इसमें हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मांग, 3 मांगे हैं जो बता रहा हूँ आपको। सबसे ऊपर है ओल्ड पेंशन लागू करना, जो कि राजस्थान सरकार ने अन्य विभागों में कर दिया है और विद्युत विभाग को अभी ये आदेश जारी नहीं किए गए हैं, सबसे ऊपर वो मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि जो भी अधिमानता पे लगे हुए कर्मचारी हैं बाहरी पास, उनको सबको बाबू बना दिया जाए। और तीसरे नंबर पे हमारी सबसे बड़ी मांग पाली के लिए यही है कि जो MBC मॉडल लागू करने की योजना सरकार चला रही है, हम उसका घोर विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं पाली में पहले भी FRT की वजह से उपभोक्ता परेशान है, इसीलिए ये MBC मॉडल लागू नहीं की जाए। उसी तरह और अन्य 14 मांगे हैं जो हम मांग पत्र में बता रहे हैं, जैसे ITI को टाइम बार्ड प्रमोशन जो है नियुक्ति तिथि से दिया जाना चाहिए और टाइम बार्ड प्रमोशन में जो ऑप्शन भरवाए गए जो वापस रिवाइज ऑप्शन दिए जाए जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इसी तरह सब मांगे हैं।